एक ही दिन में जीना हराम कर दिया इन लोगों ने मेरा। ना दिन को चैन, ना रात को नींद। भूत बनकर दिखती रहती हैं वो प्रभावती और संध्या की बच्ची। क्या चाची, खुल गई आँख? साला घोड़ा बेच के सोती है। अभी चल, जल्दी उठ, घर में इतना सारा काम पड़ा है, खत्म करते करते आधा रात हो जाएगा। कुर्ती क्या है? चलती है काम पे कि उठाओ पानी मार के। तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही उछल रही है? दो चार बर्तन क्या घिसवा लिए, जूते क्या पॉलिश करवा लिए, तुझे लगा कि तू मुझसे जीत गई? हमेशा हमेशा के लिए तूने मुझे अपना गुलाम बना दिया। इस गलत फहमी में मत रहना। घायल शेरनी हूं मैं। एक दिन ऐसा वार करूंगी कि बचना तो दूर, तुझे संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। बहुत उंगलियों पर नचा रही है तो मुझे, दाता थैया सुबह से शाम लगा हुआ है तेरा। एक दिन ऐसा आएगा जब तू और प्रभावती नाचेंगे, और वो भी सरेआम। और तुम लोगों को नचाएगा कौन? सरला। क्या हुआ संध्या? कुछ नहीं चिकनी, बस सुबह सुबह तेरी चिकनी चाची का प्रवचन सुन रही थी। मस्त बोलती है नहीं? परंतु अब प्रवचन का समय समाप्त हो, अब हम योगा करेंगे। जैसे झाड़ू आसन, पोछा आसन, बर्तन कटका आसन, चले? अपनी इस आइटम गर्ल को समझा दो कि रोज सुबह सुबह आकर मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। मेरे क्या क्या काम है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं खुद कर लूंगी। 10 बार आकर बताने की जरूरत नहीं है इसे। मैं मुंह हाथ धोकर आ रही हूँ। एक मिनट चाची, एक मिनट। हाथ मुंह धोने के साथ साथ जरा अपने कपड़े भी चेंज कर लेना चाची। वो क्या है ना, आज आपको मार्केट भी जाना है, घर का राशन पानी खरीदने के लिए। नहीं नहीं, वैसे तो ये काम अपने रघु काका करते हैं, लेकिन क्या है ना, अब आपने पूरा घर संभाल लिया है तो फिर मैंने सोचा चलो ये काम भी क्यों ना आप ही करो। इसीलिए मैंने उनको जाने से मना कर दिया। क्यों संध्या, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या चिकनी, तू तो एकदम हिटलर हो गया। चाची जाएगी बाजार, हो जाएगी बाजार। फालतू जोक था? अरे नहीं नहीं, अच्छा जोक था ना, दे डाली। ताथैया ताथैया हो, नौकरों वाले काम करवा रहे हैं लोग मुझसे। इतना काम तो इन्होंने डीके से भी नहीं करवाया था। एक मौका मिल जाए प्रभावती और संध्या की बच्चे की अकल ठिकाने लगा दूंगी मैं। गाड़ी भी नहीं ला लेती, पैर ही दुखने लग गए। भाई ये संतरे कैसे दिए? 50 रुपए डजन। सर
सच का बोल वाला झूठे का मुंह काला, जो भी उसे खाएगा बस सच ही बोलेगा। ले लो सच बोलने की गोली, ले लो आओ भाइयों सच बोलने की गोली, आओ चले आओ सच बोलने की गोली। क्या है ये? जादू की गोली है मैडम। ठीक ठीक से बताओ क्या चीज है ये? भांग की गोली है मैडम। दूध में मिलाकर, जूस में मिलाकर, जिसमें भी मिलाकर पियो, बस नशा हो जाएगा। ऐसा नशा होगा मैडम, आदमी के दिल में जो भी होगा वो बस जुबान पर आ जाएगा। अरे मैडम इसकी बातों मत आना, ये लोग बोलते कुछ है और होता कुछ है, ये भांग की गोलियां हैं। बोले जा रहा फालतू में। अरे जाओ 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 भैया, अपना काम करो। ये भांग मैडम वो भांग नहीं है, ये भांग अलग है मैडम। जो भी बुलवाती है सच बुलवाती है, धंधे की कसम खा के कह रहा हूँ मैडम। आपको यकीन नहीं है तो खाकर देख लो। पागल हो? मुझे नहीं चाहिए। अगर ये आदमी सच कह रहा है कि इस गोली को खाने से दिल की बात जुबान पर आ जाती है, अंदर का सारा सच सबके सामने आ जाता है, तो फिर तो ये गोली मेरे काम आ सकती है, बहुत काम आ सकती है। अच्छा कितने की है? एक पैकेट। 10 रुपए का मैडम। अच्छा ठीक है, एक पैकेट दे दो। पक्का ना? हाँ पक्का मैडम, बिल्कुल पक्का। सच बोलेगा? सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। तुमने सर्रा से अपने जूते साफ करवाए? जी हाँ। आपको तो अच्छा नहीं लगा होगा, है ना? मुझे अच्छा लगे ना लगे क्या फर्क पड़ने वाला है? इस घर में ऐसी बहुत सी बातें हो रही हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, और मैं ही उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। खैर अभी मैं ये बताने आया हूँ कि आज शाम को मैंने कुछ मिनिस्ट्री के लोग और कुछ पुलिस के आला ऑफिसर्स को बुलाया है डिनर पे। डिनर के साथ साथ संगीत भी पेश करने वाले हैं, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि घर में तमाशा ना खड़ा करें। मतलब जिस तरह का माहौल घर में चल रहा है, तो मैंने सोचा पहले से आगाह करना अच्छा। मैं तो ये डिनर ही कैंसिल कर देना चाहता था, लेकिन क्या बताऊँ, एक महीना पहले प्रोग्राम तय हो चुका था और मिनिस्टर साहब भी एक दो बार याद दिला चुके, तो मैं मना नहीं कर सका। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, घर में शांति बनाए रखें और सरला से नौकर वाले काम करवा के उसे और बेइज्जत ना करें। आप सब लोग यहाँ पर आए, हम बहुत खुश हुए। खुशी तो हमें रोई भाभी जी, कई दिनों से ऐसी सुर संध्या का इंतजार था। आई ये संध्या की बच्ची अब तक तैयार होकर आई क्यों नहीं है? इतनी गोलियां खिलाई हैं आज मैंने उसे भांग की, आज कोई ना कोई बड़ा तमाशा तो जरूर करेगी। उसके बाद उसकी इस घर से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी। पर ये डफर इतना टाइम क्यों लगा रही है? लगता है नशा कुछ ज्यादा ही हो गया है सच बोलने वाली भांग की गोलियों का। अब आएगी लड़खड़ाते हुए और फिर होगा इस घर में असली ड्रामा। वहिनी साहब, वो संध्या कहीं नजर नहीं आ रही, उसे भी तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलाइए ना आप। अरे हाँ, आपके बेटे की पत्नी से तो मुलाकात ही नहीं हुई। जरा उन्हें भी बुलवाइए, उन्हें भी तो शादी की मुबारकबाद दे दें। दरअसल वो तैयार हो रहे हैं, आते ही होंगे। आज कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं लग रहा उसे तैयार होने में, मैं बुलाकर लाती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो ये लो वो आ ही गए।
आओ बेटा, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मिनिस्टर साहब, ये मेरा बेटा है और ये हमारी बहू। सत्यानाश हो इन गोलियों का। इतनी सारी गोलियां घोलकर पिलाई संध्या की बच्ची को, लेकिन सब कुछ हजम कर गई। रत्ती भर भी असर नहीं हुआ इस पर। आग लगे उस गोली बेचने वाले को, बड़ा आया सच पुलवाने वाला, उल्लू बना गया मुझे। मेरे तो दिन ही खराब चल रहे हैं। जिसे देखो मुझे ही बेवकूफ बनाने पर तुला हुआ है। ब्लडी हेल। अब मम्मी जी, सरला चाची की आवाज ही नहीं आ रही, कहाँ गई वो? अरे सरला चाची। हाँ संध्या, तुम कुछ कह रही थी? चाची, अरे आज सुर और संगीत की महफिल सजी है, तो मैं आप सबको बता दूं, हमारी जो सरला चाची है वो तो इतना अच्छा गाती है, बिल्कुल कोयल। मेरा मतलब है कोयल जैसा गला है इनका। गाइए ना, हम सभी आपको सुनना चाहते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई गाना वाना नहीं आता। ये संध्या को पता नहीं, आज बस यूं ही। क्या चाची, आप क्यों शर्मा रही हैं? हमारे अपने ही तो हैं यहाँ, आज तो आपको कुछ गाकर सुनाना ही पड़ेगा। अरे आप ही कुछ समझाइए ना इन्हें। एक मिनट, आप लोग एक मिनट प्लीज गाना बंद कीजिए। गा लो ना चाची, आप मुझे तो मना नहीं करेंगी ना? दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिछलियाँ, ना खुदा का ना खुदा का हमने जिन्हें नाम दिया है। उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। अच्छा जी, तो ये चक्कर है, मेरा तमाशा बनाने के लिए सरला चाची ये नशे की गोलियां लेकर आई थी। लेकिन चिंता मत करो चाची, तमाशा तो जरूर होगा, लेकिन मेरा नहीं, आपका। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया। अरे हमारी चाची के लिए और जोर से तालियां। वाह चाची, आपने बहुत अच्छा गाया, मजा ही आ गया। अब आपका गला सूख रहा होगा? नहीं, लीजिए मैं लाई हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, आपने सचमुच बहुत अच्छा गाया, तालियां। सारे मेहमान इतने खुश होकर गए चाची कि मैं क्या बताऊं। कल रात को आपका जलवा भी असली था और आपकी नशे की गोलियां। लेकिन आपकी किस्मत खराब थी कि आप वो गोलियां मुझे नहीं खिला पाए। क्या है ना कि आपने वो गोलियां जूस में तो मिलाई, लेकिन जब आप ये सब कर रही थी ना, आपको किसी ने देख लिया।
और उसी ने मुझे बचा लिया। सुन्नी? हाँ सुन्नी चाची, सुन्नी चाची ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन आपको कोई मुझसे नहीं बचा पाया। इसीलिए मौका पाते ही मैंने आपका हथियार आप पे ही इस्तेमाल किया, आपकी नशे की गोलियां आपको ही खिला दी। और उसके बाद तो जो गजब ढाया है चाची ने। क्या हुआ? सर दुख रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा? मैं याद दिलाऊं? लेकिन मानना पड़ेगा चाची, यही परफॉर्मेंस आपने किसी फिल्म में दी होती ना, आपको तो ऑस्कर मिल ही जाता। लेकिन आपने ये परफॉर्मेंस घर में दी, इसलिए आपको मिलेगा प्रभावती अवार्ड। आइए जल्दी बाहर आके ले लीजिए अपना अवार्ड। सब खड़े हैं बाहर आपका अवार्ड लेकर, इंतजार कर रहे हैं आपका। आइए जल्दी आइए। पता कि मुझे कल रात क्या हो गया था, जरूर किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। मुझे तो ये तक याद नहीं है कि मैंने मैं तुम्हें माफ कर दूं। इतना बड़ा तमाशा तुमने किया, उसके बाद तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुमने सारे मिनिस्टर्स को ह्यूमिलिएट किया, मेरा इंसल्ट किया सबके सामने, सारे पुराने दोस्तों से हमारा रिश्ता खत्म कर दिया, हमारे सारे नए प्रोजेक्ट्स खत्म करवा दिए, बंद करवा दिए, और तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुमको माफ कर दूं? नो चांस अल्लाह। जो कल तक हमारे दोस्त थे सब हमारे दुश्मन बन चुके हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर क्यों रही हूं। भगवान जाने पंकज कब वापस आएगा, कब हमें इससे छुटकारा मिलेगा हमेशा के लिए। शर्म करेंगे। पंकज चाचू को मैंने बुलवा लिया है सरला चाची, बस अब उनके आने की ही देर है। उनके आने के बाद तो मैं आपको एक सेकंड के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। एक सेकंड मतलब एक सेकंड, ट्रस्ट मी आई मीन इट। क्या देखकर चले गए? और वो प्रभावती, वो तो बात बात पर चाटाई लगा देती। अरे माना कि हमारे सरला चाची के गाल बहुत मुलायम, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि चाटे पर चाटा लगाते जाए। यू सरला चाची, सरला चाची कब तक ऐसा चलेगा?
कब तक आप मेरे रास्ते का रोड़ा बनने के लिए खुद टोकर खाती रहेंगी? सरला चाची, मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मेरी आपसे कोई दुश्मनी ही नहीं है, क्योंकि का ना तो नीरज की हत्या में हाथ था, ना ही मेरे बाबा की हत्या। सरला चाची, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, आपको कुछ नहीं करूंगी, आप बस मुझे मेरा काम शांति से करने दीजिए, वरना ऐसे ही बार बार मात खाती रहेंगी और चाटे भी। आज अपने घर में बहुत अकेला पड़ गया हूं मैं, तुम दोनों भाइयों की कमी बहुत महसूस कर रहा हूं आज। डीके, तुम कहां चले गए? डीके, ना कोई खबर ना कोई संदेशा, कहीं तुम्हारे साथ कोई अनहोनी तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।